नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ओम नमः शिवाय कई सालों के बाद जाकर के ऐसा खास और अद्भुत सावन का पवित्र महीना पड़ा है जो कि 19 अगस्त को समाप्त होगा। दोस्तों, सावन सोमवार का क्या कहना। यदि कोई कुंवारी कन्या सावन सोमवार का व्रत रख लें तो स्वयं महादेव उसके लिए वर ढूंढते हैं और वो वर कोई मामूली वर नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार यानी 5 अगस्त को नमक का ये खास उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, माता दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे, साक्षात्काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे, धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधिनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन के इस पावन पवित्र महीने में आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। यदि आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है, यदि ऐसा नहीं तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक ना केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है, चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है, यदि जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। किंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें दोस्त। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधि बना देगा। यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपकी बंद किस्मत के खोलने की चाबी है और महाचाबी। दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे, करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने बस में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा, लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं। नमक का ये उपाय दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं।
तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, आप जो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दे, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है, अगले ही वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य प्राप्त हुआ है। उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी के बार आजमाकर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ये 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। आप कंगाल भी हो सकते हैं, ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और
तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नका गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कद्र करें दोस्त। उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाए, किंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दी और साफ सफाई कर ले। दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी, जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100 कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्त, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें, फिर इसे संभाल कर रख दें। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी 90 रहे शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। 2 तो भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आप पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं।
ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सूरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो यह थी आज की खास जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।